दोस्तों, अगर आपने भी बियॉन्ड लोन ऐप से लोन लिया है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बियॉन्ड लोन ऐप की रीपेमेंट करें या नहीं करें। अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बियॉन्ड लोन ऐप की रीपेमेंट टाइम पर नहीं करते हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो को आपके बीच में छोड़ दोगे तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि इस वीडियो में क्या जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल कलर का बटन है, उसे प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, अगर वह भी किसी लोन ऐप में फंस चुका है तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस ऐप में RBI रजिस्टर्ड ऑनलाइन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन मिलता है, तो यह कोई फेक लोन ऐप नहीं है, यह एक रियल लोन ऐप है। अगर आप इसकी रिपेमेंट टाइम पर नहीं करते तो आपको किन किन समस्याओं को झेलना पड़ेगा, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में यही टॉपिक होने वाला है। अगर आपने BNL लोन ऐप की रिपेमेंट टाइम पर नहीं की है तो क्या कर समस्याएं आती है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप BNL लोन ऐप की रिपेमेंट नहीं करते या किसी भी लोन ऐप की रिपेमेंट नहीं करते है तो ये तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं, एजेंटों के कॉल आने लग जाते हैं, लीगल नोटिस भेजने की धमकी आती है, व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेज भी देते हैं, वह फेक होता है, लीगल नहीं होता है। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो होती है, ये आपसे खुद सीधा कांटेक्ट नहीं करते हैं, आपके पास एजेंट भेजते हैं, एजेंटों को काम सौंप देते हैं, वो आपको कॉल करते हैं या आपके पास जाते हैं या नोटिस भेजते हैं, कैसे भी करके आपको डराने की कोशिश करते हैं। ये तो आम बात है दोस्तों, आप किसी भी लोन ऐप की रिपेमेंट नहीं करोगे तो एजेंट तो आपके पीछे लगेंगे, क्योंकि उनकी तो ये ड्यूटी है। अगर आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो उनको आपके पीछे छोड़ दिया जाता है कि आप इनको डराओ धमकाओ कैसे भी करके हमारे पैसे निकालो, ये उनकी ड्यूटी होती है आपसे पैसे निकालने की। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उनसे डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जितना हो सके उनको इग्नोर करो, उनसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल तोड़ दो। बात का यही सॉल्यूशन है, आपके पीछे एजेंट लग चुके हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको गाली देते हैं, कॉल करते हैं या लीगल नोटिस भेजने की धमकी देते हैं, तो आपको करना क्या, सबसे पहले आप उनसे कॉन्टैक्ट मत रखिए, उनसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल तोड़ दीजिए। इस बात का यही सॉल्यूशन है, आप उनसे कॉन्टैक्ट नहीं रखोगे तो फिर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रही बात आपको रिपेमेंट करने की, वो आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो। अगर नहीं करोगे तो आपका वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके सिविल स्कोर को बहुत ही डाउन कर देंगे, फिर आपको फ्यूचर में कहीं से भी लोन नहीं मिल पाएगा, चाहे कोई भी लोन है वो, आपको वहां से लोन नहीं मिल पाएगा। बैंक कहते आप सपने ही भूल जाइए, बैंक तो आपको किसी हालत में भी लोन नहीं देगा। और लोन ऐप भी फिर आपका, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो फिर किसी हालत में लोन ऐप भी आपको लोन नहीं देगा। अगर आप रीपेमेंट कर देते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है, फ्यूचर में आपको अगर लोन की जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको टाइम पर लोन मिल जाएगा, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। अगर रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिल पाएगा, अगर मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, वो भी बहुत ही कम चांस है कि आपको लोन मिल सकता है, नहीं तो कोई चांस नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, BNL लोन ऐप की, अगर आप इसकी रिपेमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो वो ही आपके सिविल स्कोर को डाउन कर देगा। रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके सिविल स्कोर पर गलत असर पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, जो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही खराब है। तो आज की वीडियो में यही नॉलेज थी, तो आप समझ चुके होंगे कि लोन की रिपेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके।